फिरोजाबाद थाना नगला सिंघी क्षेत्र के धीरपुरा का है, जहां पर दो प्रत्याशियों के परिवारी जन आमने सामने आ गए। आरोप है कि एक प्रत्याशी की ओर से गोली चलाई गई, जिसमें दूसरे पक्ष से पुष्पेंद्र नामक व्यक्ति को बाजू में गोली लगी है। पीड़ित ने थाना नगला सिंघी पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। फिरोजाबाद से राहुल उपाध्याय की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार साहब। पुष्पेंद्र जी, कहाँ के रहने वाले हो? गांव धीरपुरा। थाना कौन सा लगता है? नगला सिंघी। क्या घटना हुई आपके साथ? अरे मेरी भाभी जिला पंचायत चुनाव लड़ रही है जी, सुशील पचौरी भी लड़ रहा है। कई चक्र की बातचीत हुई है, उसने मुझे कॉल किया, बुलाया, मैं समझ नहीं पाया। उससे पहले तो गोली लग गई है मुझमें यार। अच्छा, गोली मारने वाले? अरे दो लोग तो, दोनों तो किया ही, एक का भाई, एक ने किया, दूसरे की लगी है। मैं हरिओम बजौरी का गाली गया, सुशील बजौरी की लगी है। किसी का गोली लगी आपको? जब पाए में लगी है। थाना कौन सा पड़ता है? मेरा? हाँ, नगला सिंघी। नगला सिंघी। कितने बजे की लगभग घटना हुई? 8 बजे के बाद की। आप अस्पताल आए हैं क्या? अरे पहले थाने ले गई है पुलिस, थाने के बाद यहाँ आया। थाने से यहाँ आए? कब, कितनी देर हो गई? अरे 2-3 घंटा है। ठीक है।